अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सारा बलोच है। आज की मेरी मेहमान टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। आपने उनकी वीलॉग्स देखे हैं, आपने उनको यूट्यूब पे देखा है, आपने उनको बहुत पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ देखा है। दो बहनें हैं जिसमें से आज एक बहन होंगी मेरे साथ, उनको कहते हैं हिमायल। आखिर हिमायल का मतलब क्या है मैं नहीं जानती, पर आज जानेंगे हिमायल की कहानी कि हिमायल एक इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक स्टाइलिस्ट भी हैं। उनके अंदर फैशन कूट कूट के भरा हुआ है, यू नो पूरे लाइफस्टाइल के ऊपर ब्लॉगिंग होती है। एंड आई थॉरली एंजॉय व्हाटएवर शी हैज बीन अप टू। लेट्स वेलकम हिमायल ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम हिमायल। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर द स्वीट इंट्रोडक्शन। सो वी हैव हिमायल, जैसे मैंने जिक्र किया कि हिमायल यू आर समबडी हु इज सच अ पॉजिटिव रिफ्लेक्शन माशाल्लाह। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि 6-7 साल पहले हिमाय ने ये जर्नी कैसे शुरू किया और जो अर्निंग का प्रोसेस है वो कब शुरू हुआ और आज हिमायल जहाँ खड़ी है वो तो हम सब जानते हैं कि she is somebody who was nominated for an influencer। तो ये जर्नी प्रिसाइजली हमारे साथ आप प्लीज शेयर करें। अच्छा, तो 6 years back I was really interested in blogging and influencing ना, तो I pushed Hira a lot के एक ब्लॉग, तब ब्लॉग खाली वेबसाइट पे होता था, इंस्टाग्राम ब्लॉग इतना फेमस नहीं होता था, ठीक है। तो वी एक्चुअली मेड अ प्रॉपर वेबसाइट हर एंड हेम के नाम से, और हर एंड हेम के नाम से हमने ब्लॉग भी शुरू किया। तो मैंने उसको बहुत पुश किया, चीज़ है कि कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा, रहने दो ये वो, बट इट वॉज गुड दैट वी स्टार्टेड बैक देन। अब जाके एटलीस्ट वी कॉल्ड द पायनियर्स, क्योंकि तब तो आई डोंट थिंक कोई इतना इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे होता था, ठीक है। अब तो आप जिसको खोलो वो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसको खोलो वो सारे ब्लॉगर्स हैं, तब नहीं होते थे। खैर, फिर वी बिगेन द जर्नी एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि मॉडल्स हैं ये वो। हम लोगों को ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड्स को समझाने में और लोगों को समझाने में इतने साल लग गए कि मतलब अभी तक मुझे लगता है हम सिर्फ एक्सप्लेन ही करते रहते हैं कि हम हैं क्या। ओके, आगे। तो एंड देन वी स्टार्टेड द ब्लॉग हर एंड हेम। हर एंड हेम के ऊपर हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बट अनफॉर्चुनेटली इट गॉट डिलीटेड ट्वाइस। बैक इन द डे इट वाज लाइक एट अप्रोक्सीमेटली 50K फॉलोअर्स, और वो सारे मैगजीन्स जो आजकल 1 million पे पहुंचे हुए हैं ना, उनके साथ 50K होते थे। ओके, तो इट गॉट डिलीटेड ट्वाइस, दोनों दफा 50K पे पहुंचे। डिलीट कैसे होता है, कौन करता है डिलीट? I don't know, reports थी, I don't really know, but delete हो गया। तो यानी वो यानी लोग जल के सड़ के कुड़ के they try to hack your account ताकि आप लोग का जो भी एक fame है जो activity है वो खराब हो। हाँ, फिर उन्होंने फिर खैर हम लोगों ने अपने individual profiles पे करना शुरू कर दिया, क्योंकि individual profiles को कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता, कोई उसको मतलब इंडिविजुअल प्रोफाइल्स आर सेफर, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने यू आर पुटिंग ऑन योर ओन पिक्चर्स एंड योर ओन फेस, एंड साइमल्टेनियसली हमारी फॉलोइंग हमारे पेजेस पे भी भर रही थी, और वो इवेंचुअली बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर इंटरेस्टेड इन टू मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मोर, तो वो ज़्यादा की थी। तो फिर हम लोगों ने अपने प्रोफाइल्स पे करना शुरू किया, एंड वी गेन्ड अ लॉट ऑफ फॉलोइंग इन अ वेरी स्मॉल टाइम माशाल्लाह। और उसके बाद क्या वो क्या करे लास्ट ईयर वो कैसे कैसे फॉलोइंग बढ़ती है, कैसे आप मतलब ये क्या एक की है, वो लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको ये जानना, बाद में भी देखेंगे हमारी ये वीडियो, तो कैसे बनते हैं ब्लॉगर, कैसे बनते हैं टिकटॉकर, जैसे कि आपके फॉलोअर्स मिले, ब्रांड भागे आपके पीछे, वो क्या वो चाबी कौन सी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली खैर मुझे तो समझाने में इतना टाइम लग गया था, तो मेरे पीछे तो ब्रांड्स इतने जल्दी नहीं भागे थे, और मैंने लाइक लिटरली अब तो इफ यू सी तो छोटे ब्लॉगर्स भी ब्रांड डील्स कर रहे होते हैं, पर हम लाइक वी वर एट 10K और 20K, वी डिडंट डू एनी ब्रांड डील। We build a following, we build a name, we build a relationship with our followers, and then we moved on to the brands. Because brands ek badi cheez nahi hota. It's you who is the real brand. You have to brand yourself. That is what you have to believe in. Aapko apne aap ko itna bada karna hai aur apne upar itna self confidence hona chahiye ki I can do anything. To isliye abhi mujhe brands ke sath kaam nahi karna, abhi main apni cheeze promote karungi. थोड़े से बाद मैंने बिल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोइंग, तब मैं ब्रांड डील्स लेना शुरू करूंगी।
हैज टू बी, मतलब ये आपकी अपनी उसमें होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफर तो सबको आती है. सो यू शुड नो व्हेन टू डू इट एंड व्हेन नॉट टू. ठीक है. अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू ये वाला पार्ट कि जब ब्रांड्स ने, वो कौन सा दिन था जब लगा कि अच्छा आज हमें एक ब्रांड ने कांटेक्ट किया है, अब हम बन गए हैं, यू नो नाउ वी आर समबडी के हमारा सीन ऑन है, वो कौन सा दिन था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वर्क फॉर फ्री फॉर ब्रांड्स. ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही था कि पैसे मिलते हैं, मुझे पता था सिर्फ चीजें मिलती है. अच्छा, मुझे पता चला एक्चुअली, और फिर मुझे एक ब्रांड ने खुद ही बताया कि पैसे भी मिलते हैं. लाइटिंग क्यों नहीं है स्टोरी. अच्छा, एक ब्रांड ने मुझे खुद ही बताया कि पैसे भी मिलते हैं. एंड आई वाज लाइक, पैसे भी मिलते हैं? फिर उन्होंने बताया, उन्हीं के साथ मेरी पहली डील हुई एंड आई एम स्टिल वर्किंग विद दैट ब्रांड. उनसे मेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, तो वी आर स्टिल वर्किंग टुगेदर. एंड देयर आर सम ब्रांड्स हु यू वर्क विद द होल टाइम, लाइक आई थिंक जितने भी ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है ना, उन सब के साथ मैं अभी तक काम कर रही हूं. यानी वो लाइफ टाइम वाली चीज है. अच्छा, एक और चीज है, और वो ये, आपने ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड होना है. अब देखिए, ब्लॉगिंग पहले तो एक ब्लॉग आपकी कहानी थी. सो जब हिमायल ने शुरू किया या हिरा ने शुरू किया हर एंड एम, तो आप लोगों के माइंड में ऑब्वियसली मनी मेकिंग तो नहीं थी. ठीक है, आप लोग अपने स्कूल अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में थे आई एम श्योर. वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, हिमायल हैज डन हर बैचलर्स इन IRP. ठीक है, तो बैचलर्स के बाद हिमायल ने जॉब की या इसी को ही प्रोफेशन बना लिया? नहीं, व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स आई वाज एक्टिवली वर्किंग एज एन इन्फ्लुएंसर एंड आई वाज अ सक्सेसफुल वन माशाल्लाह. सो आई न्यू दैट आई वुडंट डू एनी जॉब एंड आई वुड गिव दिस माय फुल एफर्ट्स एंड माय फुल टाइम, क्योंकि दिस इज रियली टाइम कंज्यूमिंग. एक वीडियो बनाने में आपको पूरा दिन लगता है, एक वीडियो एडिट होने में आपका पूरा दिन लगता है, फिर आपका पिक्चर्स लेने में इतना टाइम लग जाता है. एक एक, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, एक शूट आप कर रहे हो, आप स्टार आउटफिट्स का शूट कर रहे हो, उसमें पूरा दिन आपका लग जाता है और आपको पता भी नहीं चलता टाइम का. सो इट्स बेटर दैट आई गिव दिस माई 100%, या फिर मैं किसी और की स्लेव बन के, लाइक बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स एंड यू आर वर्किंग फॉर देयर ड्रीम्स एंड आई वांटेड टू वर्क फॉर माईसेल्फ एंड माई ड्रीम. अच्छा, एक बात बताओ, हिमायल जो है वो इन्फ्लुएंसर है फुल टाइम, ठीक है जी. क्या हिमायल, अगर हिमायल को एक्टिंग करने का मौका मिले या मॉडलिंग करने का मौका मिले, जो कि आप लोग ब्रांड्स के लिए एसोसिएटेड होते हो, लेकिन अगर ये काम करने का मौका मिले रेगुलर, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड कि हाँ मैंने एक्टिंग करनी है, मैंने टेलीविजन पे एक्ट शोज करने हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन से मुझे एक्टर बनने का बहुत शौक था. अच्छा, पर मुझे ये रिसेंटली पता चला कि मैं बहुत बुरी एक्टर. अच्छा चलो, एक्टिंग तो नो हो गया, एक्टिंग को नो हो गया, पर अगर प्रोडक्शन में शौक मुझे बहुत है, नो नहीं हुआ अभी, मैं टिकटॉक पे कर रही हूं ट्राई. ओके, तो शौक है, यानी अगर टेलीविजन से कोई प्रोडक्शन का काम आता है, टू बी वन ऑफ द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कंटेंट राइटर, एनीथिंग, सो यू विल बी अप फॉर इट? और मॉडलिंग तो आई हैव डन सेवरल टाइम्स, लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. एक दिन में 10-10 ड्रेसेस करना, भाई उनका मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल द मॉडल्स हु डू इट, इट्स वन हेल ऑफ अ जॉब. पर अगर मैं पूछूं, हिमायल अपने आप को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कहां देखती है, वो कहां देखना चाहती है, what is the target, क्या है goal? अब क्या है? We hopefully want to launch our own brand. अच्छा, and we I really just want to grow. Our main focus nowadays is YouTube, and we want to grow on YouTube. And that has been the focus since the last year, but अभी भी consistency नहीं आई. But YouTube की videos करना बहुत मुश्किल काम है. अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ. हाँ, मुझे एक और चीज बताएं, वो ये कि हर कोई खूबसूरत नहीं होता, हर कोई पतला नहीं होता, हर कोई इतना ग्लैमर एलिमेंट नहीं रखता, हर कोई इतना अच्छा तैयार नहीं हो सकता. तो अगर वो लोग जो हमें देख रहे हैं, उसमें मर्द हजरात भी हो सकते हैं, लड़के लड़कियां, whoever, आंटियां भी हो सकती हैं, अगर वो ब्लॉगर बनना चाहती हैं, वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं, उनमें ऐसी क्या बात होनी चाहिए कि लोग उनको देखें, लोग उनको लाइक करें, लोग उन्हें कॉमेंट करें, ना कि वो एक अलग अलग व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हो और उस पर लिखे हैं कि प्लीज एंगेज, please engage, I know what you're talking about. To be very honest, everybody has their insecurities. आपको हर एक पिक्चर देख के ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए और ये तो चलो परफेक्ट है. नहीं, हर एक की अपनी इनसिक्योरिटीज होती है, हर एक की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं. और दूसरा, हर कोई हमारे से एफिलिएट करता है, लड़कियां हैं तो फॉलोअर्स तो आ जाएंगे और प्यारी हैं तो फॉलोअर्स तो आ जाएंगे. भाई नहीं, बहुत बहुत प्यारी लड़की हैं,
बहुत बहुत प्यारी ब्लॉगर्स हैं, नहीं है उनके फॉलोअर्स, नहीं है उनकी एंगेजमेंट, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम ऑफ इंस्टाग्राम. दिस इज व्हाट दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर. ये लिटरली एक पूरी साइंस है जिसको आपको स्टडी करना. तो यानी वो तमाम लोग जो इसको समझना चाहते हैं, जो टेकी नहीं है, जिनको शौक बहुत है लेकिन उन्हें पता कुछ नहीं है, उन्हें नहीं पता कि यूट्यूब पे कैसे चैनल बनेगा, उन्हें नहीं पता कि टिकटॉक पे वीडियोस कैसे बनेंगी, इंस्टाग्राम, लेकिन वो चाहते हैं, तो भाई करें क्या? वो पहले पूरी रिसर्च. अभी तक मुझे भी नहीं पता कि टिकटॉक पे अच्छी वाली वीडियोस कैसे मिलती हैं. अभी मैं रिसेंटली एक शूज की वीडियो लगाई, अगर आप मेरी प्रोफाइल पे देखते हैं, और उसके बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड ब्लॉगर जो यूट्यूब पे हैं काफी फेमस, उन्होंने कहा हिमाली तुमने क्या किया, ये तो मुझे दे देती, मैं तुम्हें बेहतर एडिट कर देता. एज लाइक इट्स ओके, इट्स ओके. I want to know कि भाई हिमायल ने बैचलर्स किया है, of course you have not studied ये editing, ये सारी video making. तो अभी आप और आपकी बहन, आप दोनों मिलके करते हैं या कोई टीम है जो आपको आपके videos को edit कर रही है, ये सारी चीजें? अच्छा, to be very honest, initially when we started हम खाली दो होते थे, और हिरा को editing का बहुत शौक है, तो वो काफी ज्यादा YouTube पे वही editing करती थी. बहुत कम मैंने की नहीं है, और उसी ने मुझे सिखाया अभी तक. ठीक है, वो ट्यूटोरियल देख के सीख के कर लेती है. फिर इतनी प्रो नहीं करती, बट मतलब जितनी हिसाब से मतलब वीडियो लग जाती थी. तो पर नाउ वी डू हैव अ वीडियोग्राफर ऑन बोर्ड हु वी वर्क विद ऑल द टाइम, बिकॉज ब्रांड डील्स आती हैं और उनको प्रोफेशनल काम चाहिए होता है. और वैसे भी व्हेन यू वी हैव बीन नोन फॉर आर क्वालिटी ऑफ वर्क एज वेल. लाइक हमारा कॉन्टेंट इज ऑल एच डी. अगर आप देखो हमारी पिक्चर्स आर ऑल फ्रॉम अ कैमरा, नेवर फ्रॉम अ फोन. हम लोगों ने लिटरली स्टार्टिंग से लेकर अभी तक अपने कॉन्टेंट का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है कि हमारा कॉन्टेंट अप टू द मार्क होना चाहिए. ये नहीं कि हर चीज बस लगा दें. मतलब अच्छा नहीं, पर अगर हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, हम पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, वीडियो की बात कर रहे हैं, तो क्या वो फोन से बनती है? कोई पर्टिकुलर फोन है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बिकॉज लोग देख रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि कैसे वो ये काम कर सकते हैं, या DSLR होना ही जरूरी? नहीं, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो थोड़ा आई एम वेरी फिनिकी, तो मुझे तो क्वालिटी का बहुत होता है. पर वैसे इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने भी फोन से स्टार्ट किया था, तो फोन से भी आपका काम चल सकता है. इन्वेस्ट मैंने DSLR में तब किया था जब मैंने इतने पैसे कमा लिए थे कि हाँ अब मैं इसी से ही कमा के दोबारा इन्वेस्ट करूँ. आई डोंट बिलीव इन गोइंग टू माय मॉम एंड डैड एंड पापा मुझे कैमरा दे दे, मैंने ये करना है. नहीं, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. अच्छा, 7 साल पहले ये सफर शुरू हुआ, और पैसे कमाना कितने साल पहले शुरू हुआ? आई थिंक इनिशियली पहले साल में ही, क्योंकि हमने इनिशियली व्हेन वी वर्क्ड, हम लोगों ने पहले ही आई थिंक एक महीने के अंदर वी गॉट मैगजीन फीचर, तो उससे यू गेट अ लॉट ऑफ यू नो आई बॉल्स एंड एंगेजमेंट और वो सारा. तो इनिशियली हमारा स्टार्ट ही काफी अच्छा हुआ था. आई वुड लाइक टू बिलीव एंड आई से इट ऑल द टाइम दैट वी वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. टिकटॉक की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में टिकटॉक का एक बड़ा अजीब सा एक इमेज है, टिकटॉक, टिकटॉकर्स, लेकिन आप यू नो यू आर समबडी हु हैज सच अ पॉजिटिव रिफ्लेक्शन कि आप टिकटॉक में भी हैं, आप यूट्यूबर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, इंस्टाग्राम में भी आप हो, तो टिकटॉक के ऊपर बात करते हैं. टिकटॉक से हम कैसे, कैन वी जनरेट मनी फ्रॉम टिकटॉक ऑल्सो? To be honest, yes, TikTokers get a lot of brand deals. But on the other side, I don't think they really know what their worth is, and they're selling themselves short. अगर कोई TikToker देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत कम पैसे लगते हैं. अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि yes, you can earn a lot of money, but वो बात है, उसके लिए मेहनत बहुत है. मतलब पर ये है कि मतलब इट्स अ वेरी एक्साइटिंग ऐप. आप उसी को खोलो, उसी के ऊपर वीडियो बन जाती है, उसी के ऊपर म्यूजिक बन जाता है, उसी के ऊपर एडिट हो जाती है, और उसी के ऊपर लग जाती है. तो आई डोंट थिंक देयर इज अ मोर कन्वीनिएंट प्लेटफॉर्म. अच्छा, हर हम मासेस की बात करते हैं, हर एक की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती, ठीक है जी. अब जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन उनको खुदा ने फोटोग्राफी की एक सलाहियत दी है, उनको एक एस्थेटिक सेंस है, उनके लिए कोई मैसेज ताकि वो लोग भी अच्छा काम करें, पैसे कमाएं, ब्रांड्स उनके साथ भी एसोसिएटेड हो. लेट्स टॉक अबाउट यू नो जनरली ऑल्सो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू डोंट मतलब यू वो कैप्शन ही लिखना होता है ना. कैप्शन आप उर्दू में भी लिख सकते हो. ओके, उर्दू में भी लिखें. हाँ, तो इसलिए इतना कोई इंग्लिश का कमाल नहीं होता. और अगर आपको बुरी भी आती है या अच्छी भी आती है, तो इट्स अ सेकंड लैंग्वेज. इतनी कोई
मेरे लिहाज से तो इट्स नॉट लाइक वो ऐसे कौन सा एलिमेंट रह गया है जो लोगों को नहीं पता लेकिन बहुत खास है हिमायत का, वो कौन सा है? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो सारा कुछ बता देती। कुछ तो होगा, कोई ऐसी खासियत, कोई ऐसा छुपा हुआ कोई आर्ट जो लोग नहीं जान। नहीं मैं तो कुछ नहीं छुपाती, मैं सब कुछ बता देती। अच्छा how expressive हिमायत is? I am not expressive at all. Tell us about your sister also, you and your sister. दोनों की कोई ऐसी चीज जो जब भी याद करो तो लगता है कि ये मेरी पावर है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। यू नो हमारा जो एक बैकबोन होता है ना, वो हमारे घर वाले होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमें परवाह नहीं होती दुनिया में किसी की भी। सो वो कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत अहम है, बहुत यादगार है, बहुत मतलब उसमें कुछ खास बात है? इफ यू टॉक अबाउट यू एंड योर सिस्टर, आई थिंक द बॉन्ड वी शेयर इज वेरी स्पेशल एंड आई थिंक that whenever we do something together it turns out to be beautiful, like our blog, our influencer wali cheez, hamara YouTube, har cheez, it takes off whatever we do together. Even Hira knows that agar hum log koi cheez saath karenge na wo zyada better hogi. Jaise abhi aapne is session ke liye kaha bhi tha to aapne pehle kaha tha ki ek aayegi phir dusri aayegi, to maine kaha tha nahi hum dono saath aayenge, to we prefer doing things together. Kitni achhi baat hai, kitni baat. अच्छा अपने बचपन की कोई बात बताओ, कोई बचपन की बात जो बहुत मजेदार हो, बहुत ही ब्राइट हो। मुझे तो भाई बुरी बातें याद आ रही, मैं कुछ नहीं बता रही। नहीं, ये डार्क साइड क्यों? देखिए हम सब के अंदर ना डार्क साइड होती है। डार्क साइड नहीं, मतलब मस्तियों वाली चीजें जो मैंने हीरा को बताया। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज लाउड। व्हाट इज दैट लाउड मेमोरी ऑफ योर चाइल्डहुड? My childhood was very sane. Hira hi thi jo har cheez putti karke chhat se bhi gir jati thi aur har cheez kar leti thi. Main ek bahut seedha sada bachcha thi. What is your star, Himayal? I am Pisces. Acha, I can understand now. Okay. So I know where is it coming from. Is Himayal ko painting ka shauk hai? Himayal ko sketching ka shauk hai? Initially maine O levels mein, when I was back in my school, tab maine painting kiya tha, painting li bhi thi aur matlab drawing bhi ki thi, maine Instagram pe bhi lagi nahi hai. Acha, tha shauk. Ab to mujhe lagta hai ki main pata nahi apple bhi bana sakti hu ya nahi, kafi arsa ho gaya, but yeah, tab tha shauk. Okay, is there anything that you would want to talk about your parents? Koi aisi cheez jo agar wo sun rahe hain ya agar baad mein sunen, unko kya kehna chahte? I would like to thank them for believing in me and for understanding when the whole world was against us. Sab hame kehte the ki aap ye kya kar rahe ho, they were the ones who were like okay with it and they let us do it. Kyunki ladkiyon ko my society mein agar parents na support kare aur na karne de to wo kuch nahi kar sakte. Okay, ya aapko bhi pata hai, kisi bhi ladki ko pata hoga, to isliye I would only like to thank them for supporting me throughout. अगर हम बात करें कंटेंट की, अच्छा कंटेंट है तो क्या स्टोरी लोग ज्यादा देखते हैं या लोग न्यूज फीड ज्यादा देखते हैं, क्या देखते हैं? स्टोरी ज्यादा देखते हैं ऑब्वियसली, और स्टोरी से ही आप न्यूज फीड पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं अपने पोस्ट स्टोरी पे लगा के. सो या इट्स स्टोरी लिंक्ड, हर चीज को आप एक दूसरे से लिंक करते हैं. वो तमाम लोग जो अभी, बिकॉज लोगों का ज्यादा इस वक्त रुझान जो है वो यूट्यूब पे, कि यार वहां से पैसे कमाने हैं, कुछ भी करके कंटेंट अच्छा लेके आना, एंड वी हैव टू एग्जीक्यूट इट. समबडी हु डजंट नो इट लेकिन वो करना चाहता है, वो क्या करे, वो कैसे उसका स्टार्ट करे? हर किसी की अपनी नीश होती है. यूट्यूब पे व्लॉगिंग से लेकर निटिंग वीडियोस भी होती है, निटिंग वीडियोस के भी अगर आप व्यूज देखो ना 1 मिलियन हो गए. अगर आप कुछ सिखाना, अगर आप कुछ सिखाओ ना लोगों को, कुकिंग सिखाओ, निटिंग वीडियोस, ये वाली चीजें अगर आप सिखाना शुरू कर दो, या लड़कों के लिए आप कुछ भी जो लड़के कर सकते हैं सिखाना शुरू कर दें, उसके ऊपर आपकी ऑडियंस बन सकती है. आपको सिर्फ अपनी ऑडियंस बनानी है, उससे आपको पैसे मिलेंगे. तो जस्ट समथिंग ऑन योर कंटेंट एंड उस चीज की तरफ जाओ जो आपको पसंद है. सिर्फ ये नहीं कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, इस तरह से कभी कुछ नहीं हो सकता. आप जब तक खुद नहीं करना चाहोगे या खुद आपका पैशन नहीं होगा, इतना पैशन होना चाहिए कि आप वो करो, उसको फिल्म करो, उसको एडिट करो, उसको लगाओ, ये बहुत ज्यादा पैशन चाहिए इसके. अच्छा ओके, अपने अपने ब्लॉग के अलावा किसका ब्लॉग है जिसको देखते हो? I mostly follow international influencers क्योंकि मैं fashion को बहुत ज़्यादा देखती हूँ. तो मैं for example एक Valeria है, she's from Canada, I follow her. पाकिस्तान के if you say then I follow my sister. I follow Aruj, she's a friend of mine. Other than that, Amara and Kashyap.
ओके दे आर वेरी गुड या ओके ठीक है सो वी विल हैव टू रैप अप जाते जाते से थ्री वर्ड्स फॉर सारा बलोच यू आर वेरी स्वीट एंड आई लव्ड डूइंग अ सेशन विद यू मुझे पता ही नहीं चला कि इंटरव्यू हो रहा है मैं तो बड़े वैसे बातें कर रही थी और एंड यू आर वेरी गुड थैंक यू सो मच खुश रहिए ये वाकई आपने सही कहा कि हमें पता नहीं चला कैसे टाइम गुजर गया बट वी शुड डिजाइन अ डिफरेंट कंटेंट मैं चाहूंगी कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए जितना ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हम दें तो बहुत जल्द आपसे और हिरा से जल्द मुलाकात होती है थैंक यू अपना ख्याल रखो और जाते जाते हमारी एक रिवायत है हम बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद सो 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़